नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मुंह एकदम काला हो गया है काम करते करते। और इस वाले कमरे में मटर डालना है इसलिए खाली करके कमरा। तो दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे कि हम अचानक कहाँ आ गए हैं। तो ये है चाची जी का घर और मटर हमारे खेतों से मतलब कतर के आ गया है। तो चाची जी का घर खाली है और हमारे घर में जगह नहीं है, तो इसीलिए चाची जी के घर में ही रख दे रहे हैं। और फिर ये कमरा खाली भी था, सेफ भी था, और मतलब पिछले साल भी हमने चाची के ही घर में अपना नाज पानी रखा था, उनका और हमारा दोनों का ही है क्योंकि। तो ये देखिए, ये है मटर, छोले वाले मटर हैं ये, चाट आट में भी यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी दूसरी वाली चाची जी है ना, वो भी मदद करवा रही हैं क्योंकि नांज ये जो बटर है, बटरा है, ढुबाने में मतलब मदद करवा रही हैं। और आस्था के पापा देखिए बोरियों में भर भर के ला रहे हैं बिल्कुल। चार तो दोस्तों ये देखिए राई के तड़के वही बता बट रहा हो गया है। सही राई के तड़के राई कितनी आती संग ना तो दोस्तों क्योंकि ये कमरा खाली है ना, इसलिए बिल्कुल आवाज गूंज रही है। और इनकी देखिए काम करते करते शक्ल एकदम काली हो गई है और ऐसा लग रहा है कि बहुत पतले भी दिख रहे हैं। चलो घर चलें, हो गया। चलो घर। ओहो डर। तो दोस्तों बटरा सारा हमने अंदर डाल दिया, उड़ेल दिया, हर जगह से ताला लॉक कर दिया है। और अब हम चलेंगे अपने घर पे। तो यहाँ पे और जो और भी चाची जी थी वो भी आ गई थी। और ये देखिए हमारा घर का गेट, यानी कि दोस्तों पुराना घर, मतलब हमने तो खुद ही आज तक अब झलक नहीं देखी, लेकिन अभी जब मतलब हम वहां से गुजरे तो ताला लगा हुआ था। ऐसे दोस्तों अब आ गए हम लोग अपने घर। आस्था के पापा ताला खोल रहे हैं यहाँ का, और लाइट भी चली गई है, अंधेरा अंधेरा बिल्कुल हो गया है। तो चलिए वहाँ का काम हो गया है, लेकिन अभी तो मतलब खेतों से बहुत और भी माल पानी आना जो बाकी है। ये तो अभी सिर्फ एक ही खेत का आया है, और भी खेत हैं जिनका आएगा। तो लेकिन मैं बार बार शायद ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी क्योंकि वहीं जाना पड़ेगा ना। तो लेकिन पहला जो आया था वो मैंने आप सभी को दिखाया कि इस तरीके से खेतों से, और खेतों में जो कतराई हुई वो भी नहीं दिखा पाई क्योंकि शाम के समय कतराई हुई थी, इसलिए मैं भी नहीं जा पाई। और फिर समय ही नहीं मिला तो आस्था के पापा ही और कतरवा के ले आए थे। अगर चाची जी होती तो चाची जी भी चलती और मैं भी चलती तो अच्छा लगता। तो यहाँ पे दोस्तों अब हो गए सीधे हम आपसे सुबह मिल रहे, क्योंकि रात में तो लाइट ही नहीं थी। और फिर आस्था के पापा काम वाम सुबह से ही किए थे तो वो थक गए थे बिल्कुल, और हम लोग फिर खाना वाना खा पी के सो गए थे। अब सुबह हो गई है तो देखिए आस्था अपने स्कूल की तैयारी कर रही है, मैंने उसके बाल लाल चोटी वगैरह कर दी है और अब वो स्कूल जाने के लिए तैयार है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ कुछ खाना, और कल की जो लिपाई की थी ना वो देखिए बहुत अच्छा रंग ला रही, कितना सुंदर लग रहा है ना यहाँ पे। और मैंने शाम को भी यहाँ पे खाना नहीं बनाया था, इसलिए बिल्कुल यहाँ पे वैसा का वैसा ही है, कलरफुल और अभी गंदा नहीं हुआ था। अब खाना पीना बन जाएगा तो जरूर मतलब काला काला धूल मिट्टी हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, और आप सभी कमेंट करके पूछते हैं तो क्या प्रेग्नेंट हो या नहीं। तो हाँ दोस्तों,
मैं प्रेग्नेंट हूँ, और हमने मतलब कुछ सोच समझ के ही अब का समय हमने चुना कि ठीक है। और फिर हमने क्या समय चुना, भगवान को जिस समय जो भी करना होता है वही करते हैं, है ना। तो आस्था के बाद मैंने फिर थोड़ा टाइम लिया था कि नहीं आस्था थोड़ी बड़ी हो जाए, हमने ऐसे सोच ही रखा था। तो उसके बाद अब मैं वाकई में हूँ प्रेग्नेंट, और अब मेरा जो है 3रा महीना चल रहा है। लेकिन अब आप ये चीज़ बार बार कमेंट में मत पूछिएगा, हो, तो इसलिए मैंने आप सभी को बिल्कुल साफ साफ बता दिया। तो इन दिनों ऐसा हो रहा है ना कि काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, और तरह तरह की चीज़ खाने का मन करता है। और आप सभी बार बार बोलते हैं कि आप कुछ काम नहीं करवाते हो, आप ऐसा है वैसा है। मेरे से जितना हो पाता है मैं हेल्प करती हूँ उनकी, जितना हो पाता है उतना तो मैं कर ही देती हूँ। लेकिन मैं सच बताऊँ तो मेरा एक भी मन काम करने का नहीं करता है, बिल्कुल भी 0% काम करने का मन रहता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आस्था के पापा धनिया मसीड रहे हैं और धनिया साफ कर रहे हैं। ये देखिए नीचे ऐसे धनिया गिर रही है। ये देखिए, ये रहे ऊपर धनिया मसीड रहे हैं। ताकत चाहिए होती है जान, इन्हें तो कूट कूट के भरी है। ये दोस्तों धनिया देखिए, बाकी जो बचेगी ना उसे डंडे से झरियाएंगे। अब जो इनमें बच, इनमें बची नहीं कुछ भी, लेकिन अच्छा झर रहा है यार। तो दोस्तों इसके लिए देखिए, ये जो खटोली है ना, ये हमने मांग के लाए हैं, क्योंकि ऐसी खटोली हमारे पास है नहीं, ये वाली। तो खाना पीना सब कुछ बन गया था, उसके बाद आस्था के पापा यहाँ पे धनिया वो कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी बहुत इनकी मदद करवा देती हूँ। वैसे तो एक दिन में इतनी सारी धनिया कूट नहीं पाएगी, और धूप में बैठ गए हैं, और मतलब अभी तो इतना धूप नहीं लग रहा है लेकिन ठीक है, और कूट रहे हैं। और ज़्यादा धनिया है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा, इसको तो पूरा कंप्लीट करने में बहुत समय लग जाएगा, वो भी तुम सुबह से लेके शाम तक फ्री रहोगे तभी जाके ये जल्दी हो पाएगा, वरना एक एक दो दो घंटा करोगे तो कितना भी करोगे तो भी जल्दी नहीं हो पाएगा ये वाला काम। तो दोस्तों आज ऐसा कुछ माहौल हो गया था घर में कि आप तो हमेशा कमेंट करके ये बोल देते हैं कि नहीं तुम झूठ बोलती हो, लेकिन ऐसा माहौल हो गया था, मैं बस उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आप सारी बातों पे तुरंत ही विश्वास कर लेते, लेकिन ये होता है ना कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ये सब चीज़ें ध्यान भी नहीं देती कि हम इस चीज़ को सूट करें, उस चीज़ में ध्यान नहीं जा पाता है जब ऐसा माहौल हो। बस हम लोग धनिया ही वो कर रहे थे, और हमें मतलब लोगों से पता चला कि कल के दिन जो पापा जी हैं ससुर जी, उन्होंने एक हमारी घर के बगल की पड़ोस में चाची जी हैं, उन्हें कुछ भला बुरा कह दिया, तो उनकी आपस में लड़ाई हो गई, चाची जी की और ससुर जी की। तो चाची जी यहाँ पे आई थी, मतलब घर परिवार की ही चाची हैं, तो वो यहाँ पे आई थी, तो हमने उन्हें बुला लिया कि भाई कल क्या हो गया था और आप क्यों गुस्सा हो गए थे, ऐसे हम पूछ रहे थे। तो वो बता रही थी कि उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बात बोल दी थी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। और इतनी बात वो बता ही रही थी, वो तो बल्कि हमारे घर में आ भी नहीं रही थी कि मैं नहीं आऊँगी, भाई तुम्हारे घर पे आओ तो हमें बातें सुनने को मिलती है। तो हमने ही बुला लिया कि अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, आप आओ तो हमारे घर। तो वो आई और बताने लगी, और इतने में ही अम्मा टपक गईं, अम्मा ने सारी बातें सुन ली। वो उसी समय मतलब हमारे घर में आने के बाद लड़ने लगी। अब वो हमारे घर में क्यों आई थी, हमारे तो उनसे देखे बातचीत नहीं है, बिल्कुल 0 है। कंडे और गोबर के बहाने आ जाती हैं कि गोबर डालना है, कंडे बनाने हैं, इस बहाने वो आई थी, उन्होंने सारी बातें सुन ली, और वो उसी समय बिल्कुल उनसे मतलब चाची जी से लड़ने लगी, और कहने लगी कि मैं ये सारी बात जाके उन्हें बताऊंगी, हमारे पूजनीय ससुर जी को उन्हें बताऊंगी। तो मतलब बताने से यही होगा ना कि लड़ाई और बढ़ेगी, तो
तो हमने कहा कि हम ऐसा है तो हमारे घर में यानी कि कोई भी नहीं आया अगर आप चाहते हो। कहीं ना कहीं देखिए बात सही है, बस मैं ये सब चीज़ें आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रही और बता भी नहीं पा रही हूँ ढंग से। लेकिन ऐसा माहौल है ना कि देखिए हम इतनी दूर इसलिए ही नहीं आ गए अपना बना बनाया घर छोड़ के कि हमें बहुत शौक चढ़ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ है ऐसी बात कि जिसकी वजह से हमें सोचिए कि अपना घर छोड़ना पड़ा है, और उसके बाद भी यहाँ तक आने के बाद भी देख लीजिए आप लड़ाई यहाँ तक पहुँच जाती है कि कोई हमारे घर में ना आए। क्यों ना आए आखिर हमारे घर में? तुम किसी से नहीं बना के चलते हो तो हम भी किसी से ना बना के चलें? हमसे कोई बात नहीं करे जैसे तुमसे कोई नहीं बात कर रहा है, तो इन्हें तो सोचिए कि इनके खुद ही के बहू लड़का ने इन्हें बिल्कुल मतलब इनका घर भी छोड़ दिया और इनसे बातें करना भी छोड़ दिया, तो गांव परिवार का क्या ही इनसे कुछ बोलेगा। सबको इन्होंने ऐसे ही परेशान कर रखा है, बस ओवर ड्रिंकिंग करके गालियां गलौज करते हैं पूरे गांव में, और जब यहां से गुजरते हैं तब भी गाली देते हुए ही गुजरते हैं। एक बात तो है, चाहे जिंदगी में आप कुछ भी हो जाए, अम्मा तो ठीक है लेकिन उनसे अब जिंदगी में हम बोलेंगे नहीं। चाहे हमारे लाइफ में हम चाहे जितना भी दुखद का दिन हो या सुखद का दिन हो, हम इनसे कम से कम पापा से तो कभी भी हमारी बनेगी नहीं जिंदगी में भी। की वजह से हमें ये दिन देखने पड़े हैं कि हमारा सब कुछ होते हुए भी हमें जंगल में आके रहना पड़ा, और हमारे साथ साथ हमारी छोटी लड़की को भी दिक्कत हो रहा है इनकी वजह से। तो इनसे कभी भी हम मतलब नहीं रखेंगे। कहीं ना ये चीज़ इतना परेशान कर रही थी, उसी समय से मैं तो रोने भी लगी थी अम्मा से ये बोलते हुए कि भाई आपने हमारे लिए किया क्या, हम ऐसी स्थिति में हैं तुम्हारी वजह से और फिर भी तुम हमसे ही लड़ रहे हो। तो बस दोस्तों पूरे दिन मन में यही बातें ही चल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी जैसे बता दो ना तो दिल हल्का हो जाता है, तो वही मैंने आप सभी से शेयर कर ली। घर के सारे काम हो गए हैं, इतनी टेंशन में भी काम करने पड़ते हैं, मन नहीं रहता काम करने का, लेकिन फिर भी लेकिन काम तो करने ही पड़ेंगे। तो सारी सफाई वफाई करने के बाद यहाँ पे लीपा पोती भी कर दी है, चूल्हे की सफाई हो जाए ना तो बिल्कुल यहाँ पे साफ सुथरा हो जाता है। और दोस्तों जल्दी से जल्द हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग ला पाएं, थोड़ी सी अभी कमी रह रही है लेकिन हम आपके लिए जल्द से जल्द अच्छे अच्छे ब्लॉग लाना जो आप देखना चाहते हैं, जो आपके मन में तसल्ली है कि ऐसा हो जाए ऐसा बन जाए ऐसा बन जाए। दोस्तों हमारे मन में भी खुद ऐसी ही तसल्ली है कि ऐसा हो जाए ऐसा बन जाए ऐसी चीज़ें, लेकिन अभी थोड़ा समय खेती के काम में, आज तक पापा इतने बिजी हो गए हैं और मैं इतनी आलसी हो गई हूँ कि मेरे से अकेले कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों गोबर रखा हुआ था और बहुत ही देखे दोपहर हो गया है, लेकिन ये काम सुबह ही हो जाना चाहिए था लेकिन झगड़े वगड़े के चक्कर में सारा काम खराब हो गया। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर देती हूँ क्योंकि एक तो अच्छा नहीं लगता, घुटता रहता है अंदर ही अंदर ये सारी बातें कि मेरे घर में अगर कोई आ भी रहा है तो भी इन्हें दिक्कत है। तो क्यों दिक्कत हो रही है भाई, ये मेरा घर है ना, कि अब तो इसमें तुम मिट्टी और गोबर के अलावा यहाँ पे है ही क्या? फिर भी मतलब कोई आ रहा है अगर बैठने तो तुम उसे बैठने नहीं दे रहे हो, तुम उसे ही बातें सुना रहे हो। तो दोस्तों ये सारी बातें ना बिल्कुल सच्ची है, अब मैं क्या ही बताऊँ, कैसे ही मैं आपको ये प्रूफ करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। तो दोस्तों यहाँ पे कंडे तो मैंने बना लिए हैं, काम वाम सारा हो गया है, और टेंशन में आज दिमाग होने के कारण पूरा सिर जो है ना दर्द हो रहा है। हमसे बहस नहीं हुई थी बल्कि उन्हीं चाची जी से इन्होंने बहस कर ली थी, लेकिन ये है ना कि हमारे घर में आया और फिर तुमने उनसे बहस कर ली, वो हमें अच्छा नहीं लगा कि हमने ही बुलाया था आखिरकार उन्हें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, कच्चे से ब्लॉग के साथ। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।